अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं मोहम्मद हनीफ नगरी यूट्यूब चैनल से। इस वक्त हम बैठे हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस में। पाकिस्तान एक्सप्रेस 1317 किलोमीटर फासला तय करती है रावलपिंडी से कराची का, और ये 24 घंटे 58 मिनट में, यानी तकरीबन ये हो गए 26 घंटे में, ये रावलपिंडी से इसका एस्टिमेटेड टाइम है ये पहुँचती है। इस वक्त हम सवार हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस में, फैसलाबाद से सवार हुए हैं, और मैं आपको फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन नहीं दिखा सका क्योंकि रोज़ा है और हम अपना सामान उतारने चढ़ाने में ऐसे लगे कि मुझे याद नहीं रहा कि आपके लिए वीडियो लॉग बनाना है। तो इस वक्त ट्रेन जो है मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई है, और हमारी मंजिल है कराची, जो यहाँ से तकरीबन 1115 किलोमीटर है। ये पूरी ट्रेन इकानमी है, इसमें कोई एसी या फर्स्ट क्लास या कोई स्टैंडर्ड एसी वगैरह नहीं है, तमाम ये टिकट इकानमी क्लास है। और बहुत सारे रेलवे स्टेशन रास्ते में आएंगे, जिसमें यहाँ से गोजरा है, फितोबा टैक्सी है, शोरकोट कैंट है, अब्दुल हकीम से होते हुए मुल्तान पहुँचेगी ट्रेन, बहावलपुर, खानपुर और रहीम यार खां, सखर, और इस तरह से हैदराबाद और कराची और बहुत से दरमियान में इसके स्टेशन आते हैं। तो ये ट्रेन 1115 किलोमीटर का फैसला तय करेगी। रावलपिंडी से तो इसका कोई 25 घंटे का फासला है, लेकिन देखते हैं कि अभी आधा घंटा तो ये पहले से ही लेट है। क्या कहते हैं जी, कराची जा रहा हूँ चाचू के साथ, कज़न अरसलान की शादी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, गाजी पकवान पे तो लाजम जाएंगे, और चाचू शेख के पास रुकेंगे। इसके अलावा ज़्यादा टाइम चाचू शेख के साथ ही गुजरेगा। मैं तकरीबन 4 बार कराची चला गया हूँ, और गैर मुल्क तो कई बार चला गया हूँ। ट्रेन में मैं आया था 2000, लास्ट बार जब मैं इराक गया था तब ट्रेन में गया था। सफ़र काफ़ी बोरिंग था, थका हुआ पीछे से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैंने इराक से सफ़र शुरू किया था, और क्या कहते हैं तकरीबन 22 घंटे का सफ़र तेहरान तक मैं आया था पीछे से करके, तो बहुत ज़्यादा सफ़र थकावट थी। इसके अलावा घर पहुंच गई फिर। हाजरीन, अभी आप शुएब से बातें सुन रहे थे, था इस्तांबुल में, वहाँ पर इसे आना पड़ा पाकिस्तान में, तो वहाँ से बल्कि इस्तांबुल से पहले ये सुलेमानिया से आया था, सुलेमानिया से तेहरान आया था भाई कार, और फिर वहाँ से इसकी फ़्लाइट इसने ली थी, और ये आया था कराची, कराची से फिर नाइट कोच ली थी उस वक़्त, अब पता नहीं नाइट कोच चलती है नहीं चलती, उस वक़्त नाइट कोच चलती थी, उसमें ही आया था। तो इस तरह से अब ये दूसरा मौका है, तो ये ट्रेन के ज़रिए कराची की सैर कर रहा है। तो ये देखें, इसी तरीके से पूरी ट्रेन में जो है ना मुसाफिर, और हमारी तो रिजर्वेशन है क्योंकि हमने कराची जाना है, लेकिन रास्ते के लोग जो है टिकट लेके सवार हो जाते हैं, तो इस तरह से आवाम के लिए एक सहूलत है। हमने ये टिकट 1500 रुपये में लिया है, और जिसमें रिजर्वेशन भी है। उषना का हाफ टिकट है, उषना का टिकट 750 रुपये में मिला है, तो उषना की रिजर्वेशन नहीं है, और मुसाफिर काफ़ी इसमें खचाखच भरी हुई है। अभी जब ट्रेन चलेगी, खड़ी है, और टाइम ना जाने क्या हुआ है, अभी ये आधा घंटा लेट है अपने टाइम से।